गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग खुश होंगे और पढ़ाई करते होंगे। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के अनसॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जीव विज्ञान के। तो आप सभी हमारे अंत तक हमारे इस चैनल में बने रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि जीव विज्ञान के प्रश्न हम सॉल्व कराएंगे। जीव विज्ञान तो पहला प्रश्न है, इसमें बहुविकल्पी है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, का है नौ का। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ए पोषण, बी शोषण, सी उत्सर्जन, डी परिवहन। तो मनुष्य में वृक्क जो है एक उत्सर्जन है, उत्सर्जन अंग है। वृक्क एक उत्सर्जन अंग है। ख निम्न में कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो पादप हार्मोन्स हम पढ़ाए हैं, यदि आपको डिटेल से पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, भेजिए कि हमें पादप हार्मोन्स डिटेल में पढ़ना है। तो चार प्रकार के पादप हार्मोन्स होते हैं और भी हैं, लेकिन चार जो मुख्य होते हैं उनको मैं लिख दे रहा हूँ। ऑक्सिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, एफ सी सी कम्ल, एफ सी सी कम्ल। ये मुख्य रूप से पादप हार्मोन्स होते हैं, जिनमें कौन है, साइटोकाइनिन, और भी जैसे एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन, 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 एथिलीन, एथिलीन, यदि ये भी क्या है, पादप हार्मोन्स है। तो आइए इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। इंसुलिन, इंसुलिन नहीं है, थायरॉक्सिन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, साइटोकाइनिन। देखो बेटा यहाँ पे लिखा है साइटोकाइनिन, तो पादप हार्मोन्स कौन है, साइटोकाइनिन है। ऑप्शन में देखना, यहाँ पर तो ये सभी पादप हार्मोन्स है, लेकिन ऑप्शन में क्या है, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का राइट आंसर। इसके बाद एसिटिलीन और एथिलीन, ये फलों को पकाने वाले हैं। जो फल आप कृत्रिम रूप से पकाते हैं उसमें एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है, यदि प्राकृतिक रूप से पकता है, पेड़ में पकता है, तो उसे एथिलीन हार्मोन्स का पकता है। ये भी प्रश्न बन सकता है फलों को पकाने में, फलों को पकाने में। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? क्या पूछा है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए अंडाशय, अंडाशय। ऑप्शन बी गर्भाशय। ऑप्शन सी शुक्र वाहिका। ऑप्शन डी डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी। अब मादा तंत्र का भाग नहीं है, प्रश्न क्या है, देखिए यहां दिया भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र किसे कहते हैं, यानी स्त्री, स्त्रीलिंग से संबंधित कौन सा भाग नहीं है। अंडाशय किसमें पाया जाता है, अंड का निर्माण किसमें होता है, फीमेल में। तो अंडाशय में क्या होता है, अंड का निर्माण होता है, ये किसका भाग है, मादा जनन तंत्र का भाग है। इसी अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। गर्भाशय ये किसका अंग है, फीमेल, जिनमें भ्रूण का विकास होता है। जब भ्रूण बनता है, निषेचन का भ्रूण बनता है, तो उसका विकास क्या होता है, गर्भाशय में। ये भी मादा जनन तंत्र का भाग है। इसके बाद सी शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका में क्या होता है, इसमें शुक्राणु गति करता है, शुक्राणु गति करता है। तो ये किसका भाग है, ये नर जनन तंत्र का भाग है, नर
जनन तंत्र शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है। डिम्ब वाहिनी यानी इसको हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब इंग्लिश में। तो डिम्ब वाहिनी में क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है। तो किस में पाया जाता है, मादा जनन तंत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका, यही शुक्रवाहिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासी दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता है, हमारी मतलब कि मानव की सबसे अधिक समानता किस जाति से है। विकासी दृष्टि से मानव की सबसे अधिक समानता है, हमारे दिया है तो वहाँ मानव है, चीन के विद्यार्थी, बी चिंपैंजी, सी मकड़ी, डी जीवाणु। तो हम लोग बेटा पढ़ते हैं कि मानव का सबसे समानता जो होता है वो चिंपैंजी से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिंपैंजी। मानव का सबसे अधिक समानता किससे होता है, चिंपैंजी से होता है। आइए अब हम लोग लघु त्रिप्रश्न पढ़ेंगे। तो इसके पहले मैं इसके मिटा देता हूँ। लघु त्रिप्रश्न में पहला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दो का आंसर भी आपको इसी प्रकार से लिखना है जैसे आपको दे दिया है कि प्रश्न उत्तर लिखना है। अतिलघुत्तरी में आप आंसर देंगे, आंसर लिखेंगे, जैसे 10 दिया है, 10 में क का आंसर दिया है, तो आपको प्रश्न नहीं उतारना पड़ेगा, बस आप क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे, आंसर 10 क, इसके बाद लिखेंगे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लिखेंगे लार में आप लोग पढ़ाए हैं कौन सा एंजाइम, टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन या एमाइलेज। लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम्स, उसका नाम लिखिए तथा बताइए कि क्या कार्य करता है। तो ये क्या क्या करता है दोस्तों, ये मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जो भी पोषक तत्व तो होते हैं सब उपस्थित होते हैं भोजन में, लेकिन मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला कौन सा एंजाइम है, टाइलिन। इसका यहाँ टाइलिन देंगे, हेडिंग टाइलिन या एमाइलेज देंगे, इसके बाद डैश करके लिखेंगे, यह मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। फिर ख है, आंसर अब ख लिखेंगे कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किन अंगों के द्वारा होता है, एक लिंगी तथा उभय लिंगी पुष्प क्या है, उदाहरण सही व्याख्या कीजिए। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किन अंगों के द्वारा होता है, तो दोस्तों पुष्प के भाग हम बताए हैं, पुष्प पढ़ाए हैं, पुष्प के भाग पढ़ाए हैं आपको। पुष्प के कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं, जिन्हें हम दो भागों में विभाजित करते हैं, सहायक अंग और आवश्यक अंग, ये दो भागों में, चार भागों में बांट सकते हैं। सहायक अंग में कौन होते हैं, दल और बाह्य दल, ये सहायक हैं। आवश्यक अंग में नर जनन या नर जनन तंत्र, नर जनन अंग, जिसे हम लोग कहते हैं पुंकेसर, और सेकेंड होता है मादा जनन अंग, जिसे हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। ये दो चार भाग होते हैं, दल, वाह्य दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो यहां पूछा क्या है कि लैंगिक जनन में, लैंगिक यानी अपनी पीढ़ी को बनाने में कौन भाग लेता है, तो लैंगिक पीढ़ी या जनन में पुंकेसर, पुंकेसर और स्त्री केसर, स्त्री केसर भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है, पुंकेसर और स्त्री केसर भाग लेते हैं। एक लिंगी और उभय लिंगी पुष्प क्या है, तो इसके विषय में हम बता दिए हैं, एक लिंगी किसे कहते हैं, द्विलिंगी। एक लिंगी में केवल इन चारों भागों में से ये सहायक तो रहेंगे सभी में, एक लिंगी में ये सहायक तो रहेंगे,
दल वह दल, और इन दोनों में से कोई एक रहेगा एक पुष्प में, एक पुष्प में इन दोनों में या तो नजनन अंग रहेगा या मादा जनन अंग रहेगा, उसी को हम लोग कहते हैं एक लिंगी पुष्प। यानी समझो जैसे ये पुष्प बना रहे हैं हम, एक पुष्प है अब इसमें ये वाह दल, ये दल और ये पुंकेसर, ये क्या हो गया एक लिंगी है, एक लिंगी पुष्प है। यानी जो आवश्यक यानी नर जो लिंग जनन अंग होते हैं नर जनन अंग या मादा जनन अंग में से इन दोनों में से केवल एक अंग पाया जाता है एक पुष्प में, तो उन पुष्पों को हम कहते हैं एक लिंगी पुष्प। और इसी के साथ दूसरा बनाएंगे हम, यह तो हो सकता है किसी पुष्प में पुंकेसर हो या फिर स्त्रीकेसर हो। दूसरा पुष्प क्या होता है ये सेकंड पुष्प है। अब इसमें क्या होगा कि ये पुंकेसर के साथ साथ स्त्री केसर भी पाए जाते हैं, ये स्त्री केसर है ये पुंकेसर है ये दल है ये वाह दल है। जब स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही पुष्प में पाए जाते हैं तो उन्हें हम द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी, द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी कहते हैं। इसमें क्या होता है स्त्री और पुंकेसर दोनों पुष्प पाए जाते हैं। तो स्त्री केसर के विषय में आप फिर ये बनाएंगे फिगर, फिगर बनाकर आप लिखेंगे स्त्री केसर फिर पुंकेसर। स्त्री केसर में लिखेंगे यह पुष्प का मादा मादा जनन तंत्र होता है जिनमें एक का निर्माण होता है। फिर एडिन लिखेंगे नीचे पुंकेसर, यह पुष्प का नर जनन तंत्र होता है जिनमें पुंकेसर का निर्माण होता है यानी परागकण का निर्माण होता है, उमंग या परागकण, तो पुंकेसर में परागकण का निर्माण होता है। और परागकण को एक पुष्प से यानी परागकण का पुंकेसर से स्त्री केसर यानी जायांग पर पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किन पौधों को चुना, इस पौधे को चुनने के क्या कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पौधे को किस पौधे को चुना और इस पौधे को चुनने के क्या कारण थे। अब मेंडल जिसे आनुवंशिकता का पिता कहते हैं मेंडल को, ग्रेगर जान मेंडल, इसने किस पौधे को चुना था, तो मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था, मटर के पौधे को चुना था। किस पौधे को चुना था, मटर के पौधे को चुना था। क्यों चुना था, क्यों अब क्यों, देखो मटर के पौधे को चुनने का कारण क्या थे, कारण में लिखेंगे कि यह एक वर्षीय होता है, एक वर्षीय पौधा होता है पहला कारण। दूसरा कारण लिखेंगे हाथ से कार्य करने में, हाथ से कार्य करने में आसानी होती है। तीसरा लिखेंगे पौधे बड़े नहीं होते हैं, पौधे या पौधे बड़ा नहीं होता है। चौथा कुछ ऐसे पॉइंट हम लिखेंगे, मटर के पौधे को चुना था ये आपके प्रश्न हो गए।
अति लघु उत्तरी प्रश्न में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में प्रश्न नंबर 11 दिया है, प्रश्न पूछा है मानव में उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, नामांकित चित्र बनाकर इनको प्रदर्शित कीजिए। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि उत्सर्जन तंत्र मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यह जिन अंगों से बाहर निकाला जाता है उन अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी अंग में जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे हम नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में क्या क्या होते हैं, जैसे अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, अमोनिया। तो यह क्या है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। इन्हीं नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। कुछ जीव होते हैं जो जैसे मानव, मानव किस नाइट्रोजन किस रूप में बाहर निकालता है, तो सॉरी मानव जो है यूरिया के रूप में, यूरिया के रूप में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। जैसे पसीने के रूप में निकलता है, मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, ये हमारे रक्त में उपस्थित नाइट्रोजन है, इन्हीं को शरीर से हम बाहर निकालते हैं। पसीने के रूप में आता है, मूत्र के रूप में आता है, आंसू के रूप में आता है, तो ये क्या है, शरीर से जो उपस्थित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं है उनको हमारा शरीर बाहर निकालता है। तो किसके द्वारा निकालता है, कुछ अंग होते हैं जिनके द्वारा हम इनको शरीर से बाहर निकालते हैं। अंग कौन है, वृक्क है, यकृत है, ये उत्सर्जी अंग है मानव में, वृक्क, यकृत। फेफड़ा, फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है। यकृत ये भी उत्सर्जी अंग है, वृक्क भी उत्सर्जी अंग है। अतः दोस्तों आप इस प्रश्न में इसी वृक्क का स्ट्रक्चर बनाएंगे, वृक्क का स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे और वृक्क का स्ट्रक्चर बनाकर इसका वर्णन कीजिए कि वृक्क मानव में एक उत्सर्जी अंग है जिसकी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। एक वृक्क में अरबों नेफ्रॉन होते हैं, अरबों नेफ्रॉन होते हैं जो ब्लड में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को छानने का कार्य करता है, छान कर रक्त को शुद्ध करता है। तो प्रश्न यहाँ पर ऐसे भी बनता है कि दोस्तों रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग होता है, तो रक्त को शुद्ध करने वाला वृक्क ही होता है, वृक्क यानी किडनी। क्यों, क्योंकि रक्त में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, वृक्क है। अब यहाँ पर इस अमोनिया को शरीर में जो उपस्थित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए कुछ जिस रूप में निकालते हैं उसका नाम लिख दिए हैं, जैसे अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के रूप में कौन इसको उत्सर्जन करता है, तो पक्षी, जितने भी पक्षी होते हैं यह अमीनो अम्ल के रूप में अपने शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं। यूरिया, स्तनधारी, स्तनधारी जितने भी हैं सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को यूरिया के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। स्तनधारी में मानव भी आता है, मानव और अन्य में जैसे गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सब जितने भी हैं सब स्तनधारी हैं। ये भी यूरिया का उत्सर्जन किस रूप में करता है, नाइट्रोजन का उत्सर्जन किस रूप में करता है, यूरिया के रूप में। अमोनिया में, अमोनिया के रूप में कौन करता है, मछली, मछली। यूरिक अम्ल में पक्षियाँ, इसमें भी यूरिक अम्ल पक्षी आता है, यूरिक अम्ल में अमीनो अम्ल में पक्षी आते हैं। इनमें देखेंगे तो मल के साथ ही मूत्र या नाइट्रोजनिक पदार्थ जो होते हैं वो मल के साथ ही बाहर निकल जाते हैं। तो
ये दोस्तों है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अथवा करके दिया है, या आपको उत्सर्जन अंग का वर्णन करना है या फिर आप क्या करेंगे, हृदय, हृदय के विषय में आप हृदय का स्ट्रक्चर बनाएंगे, हृदय क्या है उसकी संरचना लिखेंगे। हृदय क्या है एक लेख द्वारा स्पष्ट कीजिए, यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, इसका वर्णन करना है। तो हृदय क्या है, मांसपेशियों से बना हुआ एक अंग है जो हाथ के मुट्ठी के आकार के होते हैं, उन्हें हम हृदय कहते हैं। हृदय को चार भागों में विभाजित किया जाता है, दो चार भाग या दो लोब में, जिनमें दो अलिंद और दो निलय होते हैं। अलिंद का कार्य होता है शरीर से रक्त को हृदय में एकत्रित करना, अलिंद का कार्य होता है पूरे शरीर से रक्त को एकत्र करना, हृदय में एकत्र कर ब्लड को एकत्र करने का कौन करता है, अलिंद करता है। और निलय, हेडिंग डालेंगे निलय, यह हृदय में एकत्रित ब्लड को शरीर से हृदय से बाहर पंप करता है। दो भाग, दाया लिंद बाया लिंद, दाया निलय और बाया निलय। दाया निलय में क्या होता, दाया लिंद में रक्त महाशिरा से हृदय में प्रवेश करता है, इसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व से दाए अलिंद से रक्त जो है दाए नीले में जाता है, दाए नीले से रक्त फुफ्फुस धमनी, इसको ध्यान देना, ये फुफ्फुस धमनी से रक्त कहाँ आता है, फेफड़े में जाता है। अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं, जिनमें कि कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है, उसे ही हम लोग अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो इससे कहाँ जाएगा दोस्तों, मैं इसको फिगर द्वारा समझाऊंगा, तो इस विषय में मैं फिगर से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, मैं हृदय की संरचना और कार्य सेकेंड क्लास में इसको विस्तार से समझाऊंगा, और आप लोग लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बोर्ड है, आप अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। सफलता वही प्राप्त करता है जिनमें लड़ने का जुनून होता है, यदि आप मैदान से भाग जाएंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।